Hey, what's up guys? I am Vikas and welcome to our channel T for Technical. तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों मेरी वीडियो इस समय दो चार दिनों से रोज रोज पर डे वीडियो मैं अपनी अपलोड नहीं कर रहा। एक्चुअली दोस्तों मुझे मतलब मैं बीमार थोड़ा सा, मुझे ठंडी लग गई थी तो इसीलिए मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और मतलब मेरे पेरेंट्स आ जा रहे, मेरे घर वाले आ जाते थे तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों आज से हमारी वीडियो आपके लिए रोज मिलेगी और इसी बात को रखते हुए हम आज भी आपके लिए एक नया टॉपिक पे वीडियो बनाए। तो दोस्तों चलिए आपको उस टॉपिक के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें दोस्तों हम आपको मतलब बताने वाले हैं कि आप पेपल या पेटीएम दोनों में से आपको कौन मतलब कौन सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप यूज ऑनलाइन अर्नर हैं तो आपके लिए कौन अच्छा पड़ेगा, आपके लिए पेपल अच्छा पड़ेगा या आप पेटीएम अच्छा पड़ेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन अच्छा है ऑनलाइन अर्निंग के लिए और आप उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मतलब आप ऑनलाइन अगर अर्नर हैं तो आपको पेपल अच्छा लग आपके लिए पेपल अकाउंट पेपल पे अकाउंट बनाना अच्छा रहेगा या पेटीएम पे। तो दोस्तों अगर आप पेटीएम पे अकाउंट बनाते हैं तो पेटीएम से आप उसमें मतलब आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा। और दोस्तों पेटीएम में केवाईसी करने के लिए आपको 18+ चाहिए और 18+ के साथ उसमें आपको फिंगर भी चाहिए। लेकिन दोस्तों पेपल में ऐसा कुछ नहीं है। पेपल में तो सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है, उसमें पेपल साइनअप सर्च करने के बाद आपको पेपल पे अपना ईमेल डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, अपना फोन नंबर डालना है, अपना मतलब डेट ऑफ बर्थ, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ डालने के बाद आपको उसके बाद अपना केवाईसी करने के लिए उसमें भी आता है। दोस्तों अगर आप मोबाइल ऐप से पेपल में अकाउंट बनाते हैं तो आपको केवाईसी करने का कोई प्रोसेस में नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप दोस्तों क्रोम ब्राउजर से अपना मतलब पेपल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपको केवाईसी का एक ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों अगर आप पेपल में केवाईसी नहीं किए रहेंगे तो आपको मतलब उसके पेमेंट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं तो आपको बताता हूँ कि अगर आपको पेपल पे अकाउंट बनाना है तो आप सीधे क्रोम ब्राउजर पे जाइए और उसमें जाके पेपल पे अकाउंट बनाइए। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप पेपल पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं, उसमें केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों पेपल में केवाईसी करना बहुत आसान है। इसमें बस आपको क्या करना है, केवाईसी करने के लिए जिसके नाम से है मतलब आप अपने अगर आप 18+ नहीं है तो आप अपने मम्मी या पापा के नाम से पेपल में मतलब अकाउंट बना सकते हैं। क्योंकि पेपल में जब केवाईसी आप करेंगे तो जो पैन कार्ड पे नाम रहना चाहिए, मतलब पेपल में आप केवाईसी पैन कार्ड से बस कर सकते हैं, तो उसमें जो मतलब उसमें पैन कार्ड में आपका जो नाम रहेगा मम्मी पापा का वही नाम आपको उसी नाम से पेपल अकाउंट बनाना है। तो दोस्तों सिंपली तो आपको पेपल में सबसे पहले जो आपका नाम डालना है वो अपने मम्मी का नाम डाल दीजिए, मिडल नेम में मम्मी का जो पैन कार्ड पे नाम है वो वाला नाम डाल दीजिए और पैन कार्ड पे जो पैन लास्ट में जब केवाईसी का ऑप्शन आएगा तो उसमें आपको केवाईसी के लिए पैन कार्ड में जाना है, पैन कार्ड का आपको नंबर डालना है और उसके बाद एड्रेस डालना है, मतलब जो आपका एड्रेस है, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे आपका मतलब पेपल अकाउंट वहां से एक्टिवेट हो जाएगा। और जब आप पेटीएम में ऐसे ही करें, पेटीएम में ऐसे दोस्तों केवाईसी नहीं हो सकती क्योंकि दोस्तों पेटीएम में केवाईसी करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टोर पे, आपको वहां पे अपना जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप मतलब जिससे भी आप अपना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दिए हैं अपने मम्मी पापा का, तो उसका जिनका डॉक्यूमेंट है उनका आपको फिंगर भी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए पेपल सही पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन अर्निंग है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है हम लोग अभी ज्यादातर ऑनलाइन अर्निंग छोटे बच्चे 10 साल मतलब 15 साल के लोग ही करते हैं। तो दोस्तों ज्यादातर पेटीएम पेपल पे मतलब ऑनलाइन अर्निंग छोटे लोग ही करते हैं, मतलब हम लोग जैसे हम लोग 15 साल के हैं, हम लोग 16 साल के हैं, मतलब हम ही लोग करते हैं। क्योंकि जो 18+ है वो खुद ही अपना रोजगार करते हैं, वो क्यों ऑनलाइन अर्निंग करेंगे, उनके पास टाइम ही नहीं रहता। तो दोस्तों आपको हम लोग तो पेटीएम पे आपको तो रूल पता ही है कि जब तक आप 18+ नहीं, आपके आधार कार्ड से उसमें केवाईसी नहीं की जा सकती और कोई बड़े से आप केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको बहुत मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसी के सामने पेटीएम के सामने आपको एक और अर्निंग का विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें दोस्तों उसे का नाम है पेपल। दोस्तों अगर आप 18+ नहीं है तो मैं तो आपको बोलता हूँ कि आपको पेपल पे अकाउंट बनाना चाहिए और उसी से विड्रॉ करना चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि पेपल में आपको बस वहीं पे गवर्नमेंट आईडी डाल देंगे, उसके बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद
जब बैंक के जोड़ने की बात आएगी तो दोस्तों बैंक तो आप उसमें आसानी से, उसमें मतलब पेटीएम में भी आसानी से जोड़ सकते हो उसमें भी, लेकिन दोस्तों मेन पॉइंट है इसमें केवाईसी का। दोस्तों केवाईसी जल्दी कंप्लीट नहीं होती और पेटीएम पे तो और झंझट रहती है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप पेपल पे अकाउंट बनाए, क्योंकि दोस्तों बस पेटीएम की अर्निंग एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों, प्ले स्टोर पे आपको पेपल की बहुत अर्निंग एप्लीकेशन मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों पेपल की अर्निंग ज्यादा रहती है पेटीएम से। दोस्तों आप कोई भी ऐप देखे होंगे जिसमें आपको पेटीएम और पेपल की अर्निंग दिखाया जाए, तो आपको दोस्तों जो पेपल एप्लीकेशन वाली अर्निंग है वो ज्यादा मिलेगी। तो दोस्तों आप क्यों कम अर्निंग वाला एप्लीकेशन यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको तो पेपल ही तो सबसे अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप पेपल ही यूज करिए, और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जल्दी इसकी वीडियो लाऊंगा कि आप पेपल पे अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैसे बैंक अकाउंट ऐड करेंगे और कैसे उसमें केवाईसी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो एक मोटिवेशन जैसी थी कि आपको कौन सा मतलब पेपल या पेटीएम यूज करना चाहिए, तो आपको पता ही चल गया कि कौन सा यूज करना चाहिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर हमारे चैनल पे आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल वाला आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप पाते रहें और हमारी वीडियो को देखते रहें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हमारे चैनल पे आज से रोजी रोजी वीडियो आती रहती है। बीच में कुछ दिन हमारी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं डालते। तो दोस्तों बस तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।